हाँ जी, तो अगर आप लोग JNU में एडमिशन लेना चाहते हो, मीन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो कुछ बच्चे इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूछ रहे थे, तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग JNU में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग को CUET एग्जाम अपियर करनी होगी, मीन्स कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। एंड अगर हम लोग बात करें लास्ट टू लास्ट ईयर की, अगर हम लोग एडमिशन प्रोसेस की बात करें, तो पहले जो JNU थी वो अपनी खुद की इंट्रेंस एग्जाम कराती थी, JNU EE। बट अभी हम लोग बात करें तो अभी आपको CUET के थ्रू ही एडमिशन होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग की CUET 2023 आपको देनी होगी, CUET UG वाली, मीन्स CUET UG 2023 आपको देनी होगी। एंड उसके स्कोर के बेसिस पे आप लोग JNU में एडमिशन ले सकते हो। एंड अगर हम लोग बात करें अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में, तो बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स इसमें आपको लैंग्वेज के मिल जाएंगे। आपको यहाँ से BBA BCOM ये सब कोर्सेज करने को नहीं मिलेंगे, या फिर अदर जितने भी कोर्सेज हैं लाइक BCA ये सब कोर्सेज आपको यहाँ से करने को नहीं मिलेंगे। आपको बस BA ऑनर्स मिलेगी लैंग्वेज से करने के लिए। तो लाइक आप लोग रशियन लैंग्वेज, जर्मन ये सब लैंग्वेज से आप लोग कर सकते हो, स्पेनिश वगैरह से। बट अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ यही कोर्स JNU में अवेलेबल है, मीन सिर्फ लैंग्वेज कोर्स ही अवेलेबल है। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ JNU ही बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, आप लोग को पता है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज वगैरह आप लोग कर सकते हो। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, अगर आपको BBA BCOM BCA करना है, तो और भी जितने भी कॉलेज के बारे में मैं बताता हूँ, तो आप लोग उसमें देख सकते हो, उस समय आपको BBA BCOM वगैरह UG के लेवल पे आपको मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगर आप लोग लैंग्वेज के कोर्स करना चाहते हो, लाइक जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, ये सब अगर करना चाहते हो JNU से, BA ऑनर्स जर्मन या फिर BA ऑनर्स रशियन। एंड हम लैंग्वेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इतनी सारी लैंग्वेज JNU कराती है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग इसमें बात करें, तो अगर आप लोग BA ऑनर्स कोई भी लैंग्वेज करना चाहते हो, तो उसके लिए जो आपको CUET में अपीयर करनी है, जो आपके स्कोर ये वैलिड करेंगे, उसमें आप लोग की सबसे फर्स्ट आती है इंग्लिश, तो सेक्शन 1 आती है इंग्लिश की। तो आपको सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज अपीयर करनी है। एंड सेकेंड बात करें तो फिर सेक्शन 3 आपकी जनरल टेस्ट, तो आपको डोमेन नहीं देना लैंग्वेज करने के लिए। एंड JNU में जो आपके स्कोर एक्सेप्ट होंगे वो 2 ही सेक्शन के होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 आपके हो गए इंग्लिश के, सेक्शन 3 हो गए जनरल टेस्ट। यही 2 के स्कोर पर आप लोग एडमिशन ले सकते हो JNU में, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज के स्कोर के बेसिस पे। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोग ये सब अपीयर नहीं करते हो, लाइक जनरल टेस्ट अपीयर नहीं करते हो, सिर्फ डोमेन अपीयर करते हो, तो फिर आप लोग एलिजिबल नहीं रहोगे JNU में। एंड वो उसके बाद आप लोग उसमें एडमिशन भी नहीं ले सकते हो, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भी होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको 2 टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। सबसे फर्स्ट आपको सेक्शन 1 तो अटैम्प्ट करना ही है, एंड सेक्शन 3 भी आपको अटैम्प्ट करना है। एंड वही बात कहें तो आप लोग डोमेन भी दे सकते हो, क्योंकि अगर आपको दूसरे भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको डोमेन भी देना होगा। तो तीनों सेक्शन आपको अटैम्प्ट करने ही हैं। अगर आपको अपने पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा चाहिए, या फिर आपको अपने मल्टीपल यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग बैकअप भी रख सकते हो, अगर आपको इधर एडमिशन नहीं मिला, तो आप लोग किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एंड JNU की अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।